ठेले वाली चटपटी टिक्की चाट खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है और इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू टिक्की चाट की रेसिपी और साथ ही एक टेस्टी मसाला की रेसिपी। ऐसा बनेगा जिसे खाकर ठेले वाली चाट खाना भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में 1 कप मटर ले ली है, जिसे हमने पूरी रात के लिए भिगा दिया था। 1 कप मटर में 2 कप पानी ऐड कर देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बस अब इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिड लगा देंगे और एक सीटी आने के बाद 15 मिनट लो फ्लेम पे पका लेंगे। यह मटर जब तक अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पका लेना है और प्रेशर खुद से रिलीज़ होने देंगे। प्रेशर रिलीज़ हो गया है, अब मटर को एक बार अच्छी तरह से घोट लेना है ताकि सारी मटर आपस में मिलजुल जाएं। और मटर की कंसिस्टेंसी चेक करिए, एकदम परफेक्ट है। मटर को हमने बॉईल कर लिया है, अभी इसे साइड में रखेंगे जब तक हम चाट के लिए एक सीक्रेट मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और 4 बड़ा चम्मच धनिया ले लेंगे। अब इन्हें हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें वरना ये जल जाएगा और इससे कड़वा हटाने लगेंगी। ज़ीरा और धनिया में से जब अच्छी खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे भून लेना है। अब इसमें 20 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। याद रहे इनका कलर हमें डार्क नहीं करना है। अब मसालों से खुशबू आने लगी है, इसी तरह हमें तवे पर छोड़ देना है। तवे पर ही ठंडा कर ले ताकि ये और क्रिस्पी हो जाएं। भुना मसाला ठंडा हो गया है और ये और ज़्यादा क्रिस्प हो गए हैं। अब इन्हें एक मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। इसका हमें बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बनाकर नहीं तैयार करना है, थोड़ा दरदरा ही साइड पे रखना है। देखिए इतना दरदरा हमें चाहिए। इस मसाले को आप एक बार पाउडर बनाकर रख लें और पूरे साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमने मॉइस्चर भी ख़त्म कर दिया है तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। और इस मसाले से आप दही बड़ा, दही फुल्की, कचालू, छोले, चाट जैसी रेसिपी बना सकते हैं। इसे किसी एयरटाइट बॉक्स में रख के स्टोर करें। नेक्स्ट ये हमने खटाई ले ली है। खटाई की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। खटाई को हमने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था और इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी जगह आप इमली का पेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट एक मिक्सिंग बॉल में 5 उबले हुए आलू को मैश करके ले लेंगे। बस आलू में टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इसकी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। टिक्की आप छोटी बड़ी अपने पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। इस तरह से सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल फूड वेब रेसिपीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब एक गरम तवे पे 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पूरी रेसिपी में हम बस 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे। पूरी टिक्की को तवे पर फैला देंगे। टिक्की को दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई कर लेना है। सारी टिक्की को हमने गोल्डन फ्राई कर ली है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। सारी तैयारी हो गई है, अब चाट को असेंबल करेंगे। एक प्लेट में गर्मा गर्म दो टिक्की डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर जो हमने मटर बॉयल करके रखी है उसे ऐड करेंगे। अब जो हमने स्पेशल मसाला बना कर रखा था उसे स्प्रिंकल कर देंगे। जितना तीखा खाते हैं उसी के मुताबिक ऐड कर लें। अब इसके ऊपर मीठी दही फेंट कर डालें। चाट में मीठी दही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब ऊपर से हरी चटनी, लाल चटनी डाल देंगे। लाल चटनी, हरी चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो खटाई पीस के रखी थी उसे डाल देंगे। सेव, नमकीन, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई धनिया ऊपर से डाल देंगे और लास्ट में कुछ अनार के दाने डाल के सर्व करेंगे। वैसे अनार पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इसका टेस्ट जब मुंह में आता है, कुछ खट्टे कुछ मीठे, बहुत अच्छे लगते हैं।
और इस चाट का टेस्ट यकीनन बहुत मज़ेदार है। एक बार जब आप बनाएंगे तो ठेले और रेस्टोरेंट के चाट खाना भूल जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।